कश्मीर, कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहनशाह ताजमहल जिसका हृदय है, ऐसे पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सब को मेरा अपनी शुरुआत अपने मुल्क अपने वतन हिंदुस्तान से करता हूँ कि आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यस्त है, खून गरीब का पीने में, खून गरीब का पीने में। तब राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आया हूँ। अपने मुल्क हिंदुस्तान को समर्पित करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी किसी भी बात को आपको बुरा न लगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर क्यों क्यों मुस्लिम हिंदू? साथियों, मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू है तो दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तो पढ़ ले मेरा कुरान, और इस स्वतंत्र दिवस पर है मेरा एक ही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। मॉडल दर्द हृदय से पट गया जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवान के अधमरे शरीर, शतविशत के टुकड़े रेतों के टीलों से ऊपर जाते हुए लाशों के ढेर, और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों का दृश्य जब सामने आ जाता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे सवाल करने लगा है कि क्या बात है भारत, आज का मैं पहनाने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय दोस्त दिन फट गया जब एक बूढ़ी बेबस माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर रोने के बजाय ठहाका लगाकर हंसने लगी, और हंसते हंसते ऐसी वाणी कह गई जो सीधा मेरे दिल को जा लगी। उन्होंने कहा, साहब आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। और वही पास बैठी उसकी विधवा औरत अपनी चूड़ियां फोड़ रही थी, और चूड़ियां फोड़ती हुई कहती है क्या कि प्यार भी भरपूर गया, मेरी मां का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे बच्चे बच्चियों की चोटियां चली गई, और आपका क्या, और आपका क्या, आपके लिए तो सिर्फ एक जवान मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई। ब्राह्मण सियार सुन्नी जैन बुद्ध और ना जाने कितने विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोग पैदा होते हैं, तो धर्म के ठेकेदारों को भी चोट करता हूँ यहाँ पर, धर्म का ठेकेदार कह रहा हूँ, इसका मतलब आप बेहतर समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात करने जा रहा हूँ। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सब का भारत है बचा लो इसे, ये हम सब का भारत है बचा लो इसे। इस देश में मुसलमान पैदा होते हैं, हिंदू पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते, और मेरी मानो तो ना हमें हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, एक राष्ट्र निर्माण के लिए बस एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और बात करूं आजादी की, तो लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय, और अपने सीवेज कॉलेज में वृंद हिमाचल यमुना गंगा, क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? पूछो खुद से, क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनौधारी कंपनी बाद में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और वो 23 साल का लड़का रंग दे बसंती चोला गाते गाते फांसी पर चढ़ गया था? और क्या बापू ने सिर्फ नोटों पर छापने के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई थी? नहीं साथियों, नहीं, आजादी वो हो ही नहीं सकती। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, 36 में 77 जवान शहीद हुए, तब तो कोई मानव अधिकार की दुहाई देने वाला उनके पक्ष से ज्यादा खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल अक्ष निंदा है जैसे देशद्रोह के नारे लगा दिए, तो सारे मानव अधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में जाकर खड़े हो गए। वाह वाह, क्या इंसाफ था। खैर, बीती बातों को भूल जाते हैं। साथियों, आओ आओ और आज सब मेरे साथ संकल्प करो कि आजादी की कभी शाम न होने दोगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने दोगे, बची हुई हो जो एक बूंद भी जिस्म में, तब तक अपनी भारत माता का अचल नीलाम नहीं होने दोगे। अपनी वाली को विराम करते हुए चंद शब्द देश के जवानों और उनकी माँ को समर्पित करता हूँ। मौत
की मंडियों ने बढ़ बढ़कर गोलियां दी है, मौत की मंडियों ने बढ़ बढ़कर गोलियां दी है। जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, माओ ने भर भरकर छोड़िया दी है, माओ ने भर भरकर छोड़िया दी है। और जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मांस सड़ी होगी, मैं तो बस इतना जान लूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले हजार मरतबा रोई होगी। अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे हिंदुस्तान को हमेशा सलामत रखना चाहिए।